लेक्चर नंबर 7, सबक नंबर 2, क्लास 2। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज का हमारा सबक है अगर सूरज ना होता। हम इस सबक की नेक्स्ट किताब खानी करेंगे। आप लोग अपनी बुक्स का सफ़ा नंबर 17 खोल लें। बच्चों सफ़ा नंबर 17 में सेकंड लास्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। बानो, मालूम है गर्मी तो हरारत है, जब हरारत बढ़ती है तो हमें गर्मी लगती है, अगर सूरज ना हो तो हरारत ना हो। अच्छा बताओ, अगर हरारत ना हो तो कैसा हो? राशिद, फिर भी बहुत अच्छा हो, हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो, हम बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंका करें, बड़ा मज़ा आए। बानो, अगर हरारत ना हो तो इतनी सर्दी हो जाए कि हर चीज़ जमी हुई हो। यासिर, आपा, अगर हर चीज़ जमी हुई हो तो क्या दरख्त उग सकेंगे? और दरख्त ना हो तो बेचारी चिड़ियाँ कहाँ जाएंगी? बानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यासिर, हरारत ना हो तो दरख्त नहीं उगेंगे, चिड़ियाँ नहीं होंगी, बल्कि गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर जिंदा ना होगा। राशिद, फिर हम गोश्त कैसे खा सकेंगे? अम्मी निहारी कैसे पकाएंगी और बिरयानी कैसे बनेगी? बच्चों यहाँ तक आप लोग डेट मार्क कर लें। आज तक हमारी किताब खानी यहाँ तक है। आप लोगों ने इसको एक मरतबा दोबारा इसकी दोहराई करनी है अपनी अम्मी और बाजी की मदद से, और इस सबक को अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।